नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान में अभी OIC की मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग में पाकिस्तान ने कश्मीर, हिजाब और मिसाइल का मुद्दा उठाया है, जिसमें कि कश्मीर में जो 370 को हटाया गया उस मुद्दे को उठाया गया, और कर्नाटक में जो हिजाब का मामला आया था उस मुद्दे को भी पाकिस्तान ने ज़ोर शोर से OIC में उठाया, और एक मिसाइल जो पाकिस्तान के इलाके में टेक्निकल फॉल्ट के कारण भारत के तरफ से जा गिरी थी, उस मुद्दे को भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने इसके जवाब में अपनी एक मिसाइल छोड़ी थी भारत की तरफ, लेकिन वो मिसाइल उसी के इलाके में जा गिरी जो कि सिंध प्रांत में गिरा था। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान हर बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है। जैसा कि दोस्तों मुस्लिम मुल्कों ने भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। दोस्तों पाकिस्तान और सभी मुस्लिम देश भारत के ऊपर ये बात कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, खासकर कश्मीर में, जबकि चीन में जो उइगुर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है उसे वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि चीन में कहीं ज़्यादा उइगुर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। इस पर ना ही पाकिस्तान और ना ही कोई भी मुस्लिम देश कुछ भी बोलने को तैयार होता है। सभी मुस्लिम देश चाइना से डरते हैं और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। जैसा कि दोस्तों OIC ने कश्मीर, हिजाब और मिसाइल पर भारत पर निशाना साधा, इन तीन चीज़ों को लेकर भारत पर निशाना साधा। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। दोस्तों चीन में उइगुर मुस्लिमों के दमन पर चुप्पी साधने वाले OIC के 46 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर, भारतीय स्कूलों में हिजाब बैन और मिसाइल दुर्घटना को लेकर भारत पर निशाना साधा। OIC ने कश्मीर में आत्मनिर्णय के अधिकार को देने और भारतीय मुस्लिमों के साथ कथित भेदभाव को रोकने की मांग की। यही नहीं, OIC ने भारतीय मिसाइल दुर्घटना की पाकिस्तान के साथ मिलकर जांच करने की इमरान खान सरकार की मांग का समर्थन भी किया। OIC ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हम भारत ने मुस्लिमों के साथ कथित भेदभाव और असहिष्णुता की नीति की निंदा करते हैं, जिसमें मुस्लिम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग थलग हो गए हैं। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान के इशारे पर मुस्लिम देशों ने कहा, हम भारत में मुस्लिमों की पहचान पर घातक हमले से चिंतित हैं, जो हिजाब को निशाना बनाने और भेदभाव पूर्ण कानूनों से कई गुना बढ़ाया गया है। हम भारत का आह्वान करते हैं कि इस तरह के भेदभावपूर्ण कानूनों को तत्काल ख़त्म किया जाए, साथ ही भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए और उनके धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक OIC सदस्य देशों की बैठक के केंद्र में कश्मीर का मुद्दा भी रहा। OIC ने कहा कि वह कश्मीर के लोगों के साथ एकजुट हैं, साथ ही कश्मीरी लोगों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और OIC के प्रस्तावों के मुताबिक आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्री की मौजूदगी में उइगुर मुस्लिमों के दमन पर चुप्पी साधने वाले OIC ने कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की। उन्होंने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान
सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक किया जाए। जैसा कि दोस्तों इमरान खान ने जताई थी अपनी हताशा, जो दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने OIC को लेकर अपनी हताशा इजहार किया था। इमरान खान ने कहा था, हम 1.5 अरब मुसलमान हैं लेकिन कश्मीर और पैलेस्टीन का मुद्दा सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। हमारा कश्मीर पर कोई प्रभाव नहीं है, वे हमें गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अवैध रूप से कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इमरान ने कहा कि इसकी वजह यह है कि भारत कश्मीर पर कोई दबाव महसूस नहीं करता। उन्होंने कहा, मैं विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हर देश की विदेश नीति अलग अलग होती है, लेकिन हमें इसके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो यह अत्याचार कश्मीर और पैलेस्टीन में होते रहेंगे। दोस्तों जिस तरीके से लोगों ने OIC मीटिंग में कश्मीर और भारत पर जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि यहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर यहाँ भारत एक ऐसा देश है जो मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित देश है, और भारत में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाता है, जबकि उसके उलट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं जहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी हैं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम पर अत्याचार होते हैं, चाहे नॉन मुस्लिम हिंदूज हों चाहे कोई भी कम्युनिटी के हों, उन पर अत्याचार होते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदू पंडित और बाकी जो भी नॉन मुस्लिम थे उन पर 1990s में किस तरीके से नरसंहार किया गया, मासेकेयर किया गया, किस तरीके से नरसंहार किया गया लोगों का, जबरन वहाँ की हिंदू पंडित या नॉन मुस्लिम्स लड़कियों को जबरन कन्वर्जन किया गया और उनका कत्लेआम किया गया और उनके ज़मीन जायदादों को जबरन हड़प लिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया, और आज तक कश्मीरी पंडित और बाकी कम्युनिटी कैंप्स में रहने को मजबूर है और गरीबी की जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। बहुत कम ही हिंदू उससे उभर पाए हैं, हिंदू पंडित उससे उभर पाए हैं, नहीं तो लगभग जो जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जिनके बाहर जिन्होंने अपने बच्चों को या जिनके पास उतना पैसा नहीं, जो अपने बच्चों को उस तरीके से तालीम नहीं दे पाए, उस तरीके से पढ़ा लिखा नहीं पाए, वो आज भी गरीबी में जीने को मजबूर है। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान में ही किस तरीके से नॉन मुस्लिम यानी हिंदूज़ का किस तरीके से हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन किया जाता है, उनके ज़मीन जायदाद को हड़पा जाता है और हिंदू टेंपल्स को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है और उन्हें तोड़ा जाता है, और किस तरीके से हिंदूज़ को टारगेट किया जाता है पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश में भी आप देखिएगा, पिछले साल ही का ही वाक्या है, किस तरीके से दुर्गा पंडालों पर हमला किया गया, मासेकेयर किया गया, कत्लेआम किया गया। ऐसा स्थिति आ गया था कि सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई थी जनता, और किस तरीके से मुस्लिम जनता वहाँ की हिंदुओं पर टूट पड़ी थी और हिंदुओं का कत्लेआम कर रही थी। और हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ जिस कंट्रीज़ में भी मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ किस तरीके से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जाता है, लेकिन ये सभी कंट्रीज़ का बात नहीं है,
ये सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से यहाँ डाउन हुई है, हिंदुओं का पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से कम हुआ है और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है इन कंट्रीज़ में। और ये कंट्रीज़ मुस्लिम की बात करती हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है इंडिया में, जबकि इंडिया में इसके उलट मुस्लिम पॉपुलेशन डबल हुई है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो की है। और इवन इंडिया में ऐसे हालात हैं कि बड़े से बड़े मुस्लिम कंट्री जिसकी इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी मेज़र मुस्लिम कंट्रीज़ भी इसके सामने नहीं है। इंडिया में मुस्लिम्स की आबादी 20 करोड़ के क्रॉस कर चुकी है, 22 करोड़ के क्रॉस कर चुकी है, जो कि मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ में इतनी पॉपुलेशन है भी नहीं। और दोस्तों, किस तरीके से इंडिया में मुस्लिमों को सबको यहाँ मुस्लिम इंडिया में मुस्लिम सेकंड हिंदूज़ के बाद सेकंड पॉपुलेशन में ये सेकंड नंबर पे आती है, तो किस तरीके से भारत में मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा, जबकि भारत में मुस्लिमों के साथ हम लोग बहुत ही सद्भावना के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है और मुस्लिमों का आदर किया जाता है। और भारत कभी भी ऐसा नहीं करता, भारत अपने हर एक नागरिक का सम्मान करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन यही बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और OIC कंट्रीज़ को खुद को सोचना चाहिए कि वो दूसरे कम्युनिटी के साथ, दूसरे मजहबों के साथ क्या व्यवहार करती है। फिर वो पहले वो अपने गिरेबान में झांके और फिर वो बताए कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, जबकि उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है। भारत में तो मुस्लिमों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है, उनके साथ दोस्ताना। और आप देख सकते हैं कि भारत में मुस्लिम कितने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और उन्हें कितना सपोर्ट किया जा रहा है। हर तरीके से भारत में मुस्लिमों का सपोर्ट किया जा रहा है और भारत में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। भारत में कितने मुस्लिम नेता हैं, कितने बहुत सारे मुस्लिम राजनेता हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कोई बड़े हिंदू राजनेता दिखाई देते हैं जो कि वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हों, जबकि भारत में ऐसे बहुत से मुस्लिम नेता हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, जो कि भारत में ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो पूरे भारत में, वो विदेश को भी रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में। जबकि पाकिस्तान या बांग्लादेश में ऐसे कोई भी हिंदू नेता नहीं है जो बांग्लादेश या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते। इवन उनके क्रिकेट टीम में भी आपको हिंदूज नहीं दिखेंगे, उनके क्रिकेट टीम में भी हिंदूज नहीं है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा दोस्तों कोई भी ये, मैं किसी भी देश को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, किसी भी देश के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और ना ही मैं किसी भी देश के या किसी भी मजहब के ख़िलाफ़ बोल रहा हूं। मैं किसी भी मजहब के ख़िलाफ़ मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, ये सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को मैंने अपने चैनल के माध्यम से रखा है। और मैं ना ही किसी मजहब के ख़िलाफ़ हूँ और ना ही किसी देश के ख़िलाफ़ हूँ। मेरी टिप्पणी ना ही किसी देश के ख़िलाफ़ है, ना ही मजहब के ख़िलाफ़ है, ना ही किसी मजहब के ख़िलाफ़ है। मेरे द्वारा जो बताया गया है ये सभी
उन देशों में, और ये सभी घटनाएं जो हुई हैं, ये फैक्ट्स हैं, उन्हीं को मैं सामने रखा हूँ। मैं ना ही किसी धर्म के खिलाफ हूँ, ना ही किसी देश के खिलाफ हूँ। धन्यवाद। और मित्रों यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई होगी या गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यदि किसी को इस चीज़ से ठेस पहुँची होगी या किसी की मन को इससे ठेस पहुँची होगी तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।